हेलो एवरीवन, आज मैं आपको दुनिया का सबसे बड़ा रावण का पुतला दिखाने के लिए लेकर जा रही हूँ। और इसके लिए मैं जा रही हूँ धनास, वहाँ पर ये पुतला बन रहा है। तो चलिए चलते हैं धनास। Thank you.
चार दिन ला रखी है, नहीं पानी नहीं खाते नहीं करते है नहीं रोशनी आ रहा पता लग रही है। अरे बहुत दूर दूर से आते हैं लोग, वो सिर्फ इसकी अट्रैक्शन है, इसकी ऊंचाई खाली अहमियत नहीं है। हाँ जी, इसकी जो बॉडी की सिमेट्री है सारी, वो पूरा ध्यान रखते हैं, इसकी खूबसूरती ध्यान रखते हैं। रावण कभी रावण हकीकत में हमारा जो इसके पीछे कॉन्सेप्ट है वो यही है कि रावण अगर कभी हुआ होगा तो वो ऐसा ही होगा, वो ध्यान में रख के इतना विशाल का है इसका गौतम निर्मित करते हैं। और पूरी दुनिया के कोने कोने में जहाँ तक हिंदी भाषी लोग हैं वहाँ तक रावण को प्रसिद्धि दिलाने में मेरा बहुत बड़ा योगदान। बिल्कुल है, बिल्कुल है, सही बात है। पहले तो रावण को लोग हिंदुस्तान में ही जानते थे, हिंदुस्तान से बाहर रावण को मशहूर करने में मैं बहुत ज़्यादा काम। आपको वैसे के बारे में बताइए अपना जी के भाई, कैसे आपने ये प्लान बनाया कि इस साल उससे भी बड़ा होना चाहिए इतने साल से? दरअसल प्लान तो जो हमारा रुका हुआ था इसकी ऊंचाई को ज़्यादा बढ़ाने का, वो सबसे बड़ी वजह उसमें ग्राउंड की होती है। अच्छा, मतलब जितनी इसकी ऊंचाई होती है, हाँ जी हाँ जी, उससे ज़्यादा हम इसका जो बैरिकेड लगा के दायरा रखते हैं सेफ्टी के लिए। सेफ्टी के। अच्छा, तो अब जैसे ये इसकी 221 फुट इस बार हमने ऊँचाई की है, इस बार 221 फुट जी हाँ, पिछली बार 210 था। अच्छा, तो उसको बढ़ाने के पीछे जो हमारा कारण है वो ये है कि यहाँ हमें ग्राउंड जो है खुली मात्रा में मिल गया है, ज़्यादा बड़े क्षेत्रफल के बीच में हमें तो पब्लिक की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए जो हम दायरा बनाते हैं राज्य अंदर, वो 500 फुट बाय 500 फुट का एक बॉक्स बनाते हैं। अच्छा, चारों तरफ से उसकी जो भुजाएं हैं, हाँ जी हाँ जी, वो 500 फुट बाय 500 फुट का डबल बैरिकेड लगा के उसको हम उसको कवर करते हैं रावण, ताकि सिक्योरिटी पर्पज से पब्लिक जो है उससे बाहर रहे। बिल्कुल ठीक है, जब इसका दहन होगा इसमें आग लगेगी, तो अगर ये गिरे तो उस बाउंड्री के बीच में ही गिरे, बाउंड्री के बीच में, इससे किसी प्रकार का आम आदमी को, दर्शक को, किसी को कोई नुकसान ना हो। बहुत बहुत अच्छा, बहुत। तो इस वजह से कोई इतना बड़ा ग्राउंड पहले अवेलेबल ना होने की वजह से इसकी हाइट हमने वहीं 210 फुट पर ही रोकी है। अब यहाँ पे जो है वो पूरी हो गई आपकी इच्छा? हाँ बिल्कुल, ये बहुत बड़ा ग्राउंड है। हाँ नहीं नहीं, अच्छा ये बताइए आज जैसे ये 24 तारीख है तो ये कितने दिनों से काम चल रहा है आपका? इसका जो निर्माण कार्य है हमने आरंभ किया था वो 15 अप्रैल से किया था। 15 अप्रैल मतलब लगभग करीब 6 महीना हो गया आपको ये काम में जुड़े हुए? हाँ बिल्कुल। और कितने कारीगर लगे हुए हैं? लगभग 40 आदमियों की टीम है। 40 आदमी कुछ में 6 महीने से लगातार लग रहे हैं, शिफ्ट वाइज, कोई दिन में काम करता है, कोई रात को काम करता है, इस प्रकार से शिफ्ट वाइज काम करते हुए इसको 6 महीने के लिए। अच्छा, ओके ओके। और अब इसके रावण के बारे में थोड़ा सा बताएं कि भी कितना बड़ा जो है ये आपका मिथक है या ये अपना स्थल है? लंबाई के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया, 21 फुट इसकी हाइट रहेगी। हाँ जी, और उसके बीच में बस इसका जो मुकुट है वो लगभग 70 फुट का इसका ताज है। 70 फुट का इसका ताज है? हाँ, ग्राउंड जो है। अच्छा, 70 फुट ऊंचाई। अच्छा, बहुत अच्छे ढंग से उसको बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अच्छा, हमने इसको वैसे सिटी ब्यूटीफुल का सबसे ब्यूटीफुल रावण बनाने की। अच्छा अच्छा अच्छा, इस बार जो है, और मेरे ख्याल है ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रावण, दुनिया में सबसे बड़ा, पूरी दुनिया का। अच्छा अच्छा अच्छा, चले 5 बार रिकॉर्ड में पहले दर्ज है हमारे द्वारा, और ये 6 बार दर्ज होने जा रहा है। इसके लिए अप्रोच करेंगे, अब जैसे भी उनका प्रोसीजर होगा वो फॉलो करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, जैसे भी उनका मेजरमेंट वगैरह का जो हिसाब किताब बता रहा है। तो ये लगभग जो है ये सारा जो है प्रोजेक्ट आपका कितने पैसे लगे हैं आपके या लगने वाले हैं? लगभग 30 लाख रुपए इस पुतले में खर्च आएगा। लगभग 30 लाख रुपए का।
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये तो मेरे ख्याल है शायद मैंने तो कभी नहीं सुना और ना ही मैंने देखा है कभी अकेला आदमी जो है इतना बड़ा पुतला। मैं अपने 12.5 एकड़ जमीन बेच चुका हूँ इतने सालों में रावण के पुतले का निर्माण करने के लिए। अच्छा, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं बराड़ा से हूँ, अम्बाड़ा जिला हरियाणा से। अच्छा जी, तो वहाँ 12.5 एकड़ जमीन आपने? बिल्कुल। तो अगर प्रकार से अपना धीरे धीरे करके इसका निर्माण कार्य करने के लिए बेचता रहा अपनी जमीन। इतने लाखों लोग खुश होते हैं इसको देख के, वो मेरे लिए बहुत बड़ा इनाम है, अपनी इबादत है ये। सही बात। इतने आज के ऐसे दौर में जहाँ औलाद बिना मतलब के अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं करती, वहाँ मैं लाखों लोगों को खुश करने का कारण बना रहता हूँ पुतले के माध्यम से। कम से कम 10 दिन लोग इसको देख देख के इतना आनंद महसूस करते हैं, इतना खुश होते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने जो है इतना कीमती समय हमें दिया।